हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन के बारे में। आज की वीडियो में आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन क्या होती है, इस बीमारी के अंदर क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, साथ ही आपको बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन, जिसको हम पॉट्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, इस बीमारी में क्या होता है कि हमारी स्पाइन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। जो बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से हमारी स्पाइन के अंदर जो वर्टिब्राज होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जो आपकी वर्टिब्रा है वो कॉलेप्स हो सकती है या उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफॉर्मिटी क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको सीवियर बैक पेन देखने को मिल सकता है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है। डॉक्टर्स आपकी ब्रीफ मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपको दर्द कब से है, कितने प्रोलॉन्ग टाइम तक दर्द रहता है, किस किस एक्टिविटी के दौरान आपको पेन बरकरार रहता है, वो डॉक्टर जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, आपके स्पाइन का रेंज ऑफ मोशन चेक किया जाता है, आपके मसल्स की स्टेबिलिटी चेक की जाती है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, और कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया का पता लगाया जा सके। दोस्तों, डॉक्टर्स एक स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को डाला जाता है माइकोबैक्टीरियम का आपकी बॉडी के अंदर। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये कन्फर्म किया जाता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन है। साथ ही कभी कभी डॉक्टर्स आपको बायोप्सी कराने के लिए भी कहते हैं, जिसमें आपके एक टिशू का हिस्सा, वर्टिब्रा के अंदर जो बोन टिशू होता है उसका हिस्सा लिया जाता है और उसको एग्जामिनेशन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ताकि ट्यूबरक्लोसिस का कन्फर्मेटरी टेस्ट पता किया जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेजर ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर मेडिकेशंस दी जाती है, जिसमें एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स आपको प्रोलॉन्ग टाइम तक दी जाती है, यानी कि 9 से 10 महीने तक आपको एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग्स होती हैं वो आपको कंजप्शन करनी पड़ती है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर सीवियर केसेस के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन भी किया जाता है, सर्जरी के माध्यम से जो आपकी कॉलेप्स वर्टिब्रा है उनको ट्रीट किया जाता है, या जो एब्सेस और ड्रेन इकट्ठा हुआ हो गया होता है उसको रिमूव किया जाता है, एब्सेस को ड्रेन किया जाता है आपकी स्पाइन से। दोस्तों, इसके अंदर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक बेनिफिशियल ट्रीटमेंट होता है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन में। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है आपका मेडिकेशन से और आपका सर्जिकल इंटरवेंशन अगर ज़रूरत है, तो इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट माना जाता है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन के ट्रीटमेंट के दौरान। पर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक असिस्टिव ट्रीटमेंट होता है जो इन सभी ट्रीटमेंट के अंदर आपको असिस्ट करता है रिकवरी के अंदर। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको आपके पेन के अनुसार आपको मोडालिटीज से मदद करते हैं, हीट एंड कोल्ड थेरेपी से मदद करते हैं ताकि आपके पेन को कम किया जा सके। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपकी स्पाइन को मजबूत किया जा सके, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको मजबूत किया जा सके ताकि आपकी स्पाइन स्टेबल रहे, फ्लेक्सिबल रहे और आपको रेगुलर एक्टिविटीज़ करने में कोई दर्द ना हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन का ट्रीटमेंट रहता है और इस बीमारी का कुछ प्रेजेंटेशन इस तरीके से रहता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड सेक्शन में दे दूंगा, पिंड कमेंट सेक्शन में, वहां से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।